मुझे खांसी बुखार हो तुम जिम्मेवार हो। नहीं पाल, मैं अपनी नजरों के सामने रखूंगी, अपनी कुंडी पे टांगी। दरगाह के बाद ना मैं सोच रही हूँ इंडिया गेट चलते, इंडिया गेट का गोला खा के आते ठंड में, बहुत कुछ खाना। चलो जल्दी, अगर मेरी कोई चीज घूम जाती है ना तो मैं क्या हो गया, अगर कोई मेरी चीज सूख जाती है अंदर बेटी। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आपको पता ही है कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या आने वाले हैं, तो हमने भी हमारे आंगन में राम जी को विराजमान कर लिया है और यहीं पे अभी आज हम पूजा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। चिकू सिर पे कपड़े लेके बैठे बेटा। हाँ जी। गोलू बच्चे सो रहे हैं सारे? हाँ जी, तीनों बच्चे सो रहे हैं, अभी देख कर आई मैं। राम जी को जो भोग है ना वो भी सर्दियों के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है, रेवड़ी और गज्जक का भोग लग रहा है। जी आ जाओ सारे। ठीक है, तो गाइस अभी मैं और पाल निकल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन मीटिंग के लिए, यानी कि आने वाले टाइम में हम एक क्लोथिंग ब्रांड लेके आने वाले हैं बहुत ही चीप प्राइस में जी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं और समर्स में आ जाएगा हमारा ब्रांड। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, शेयर कर देना वीडियो को। चाहे तो अपनी जो ऑडियंस है उससे बोलने पूछ ले क्लोथिंग ब्रांड कैसा चाहिए, जिम का क्लोथिंग ब्रांड चाहिए या फिर जो हम डेली तुम पहनते हो। मैं ये मानती हूँ कि ना क्लोथिंग ब्रांड ना लड़कियों के लिए ना हर एक वैरायटी का होना चाहिए, चाहे वो जिम हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, हम सब कुछ लेके आएंगे धीरे धीरे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोलते हैं पायल, तू एग्री मेरी बात पे? बिल्कुल एग्री हूं, पहले हम वेस्टर्न से शुरू करेंगे क्योंकि एक जो लड़की है वो वेस्टर्न अगर कपड़े पहनेगी तो फिट होने के लिए जिम भी जाएगी, अगर वो जिम जाएगी तो क्या पता शादी में भी जाना हो, तो कुछ भी मतलब हम सारे लेके आए। लड़कियों के लिए सब कुछ होना चाहिए राइट। तो लाइफ थोड़ी ज्यादा बिजी हो गई है, बच्चों के लिए हम टाइम इतना निकाल पा रहे हैं कि रात को मेरे साथ सो जाए। डैड पापा बुला रहे हैं बेटी, बाय बाय कर दे। देखो चलो तू तू बा तो पूरे तू बोल तो दिखाती है फ्लैट करती है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, पकड़ो भाई बच्चों को। नहीं 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 लगाते इतनी बड़ी। चलो चिकू कल से क्लास है बेटा। ठीक है पापा, जाऊंगा। हम आ जाएंगे सुबह तक, आ जाएंगे। हाँ, सुबह रात को आ जाएंगे कल, है ना? हाँ कल रात को आ जाएंगे, लेकिन कल स्कूल चले जाना आप। ठीक है, घर से तो हम लोग आ गए हवाबाजी में, ना नीचे वार्मर पहना है, जैकेट लिया ना कुछ लिया, और इतनी ज्यादा ठंड है बाहर। काम करिए सुन, किसी से कपड़े मंगवा दी, गर्म पहुंचते मैं भी बोल देती हूँ। अभी बोल दे, मैं पायल की सर्विस इतनी फास्ट है, जहाँ पे हम होते वहीं कपड़े मंगवा देती है। गर्म वाला कॉट सेट मंगवाई हो, ठीक है? बहुत ठंड है। और अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं चाय, और क्या खाएगी? डोसा खाएगी, कुछ बढ़िया सा खाना, मुझे कुछ बढ़िया सा बताओ जो आज तक हमने ना खाया। इतना वेट नहीं हो रहा मुझसे कि खाना कब आए। मैंने अपने लिए फटाफट ना चाय पकौड़ा मंगवाया, और सर्दी हो गर्मी हो, और मान जी को दो चीजें चाहिए, गोलगप्पे गोलगप्पे और साथ में दही, तो हमने इनके लिए गोलगप्पे मंगाए। ठंड बहुत है ना, बाहर निकालने से डरते हैं, ठंडा लगता है। हेलो भाई, सबसे फास्ट है ये चीजें, देखो इनका तो पता नहीं खाना कब आएगा, अपना तो निपटाया। मैं तो खा लिया। बोलो खा लिया? और क्या, मुझे पहले खा लिया। हाँ मैंने तो पहले खा लिया गोलगप्पा, ये वाला पानी बड़ा टेस्टी है। हमने पकौड़ा और मक्की की रोटी सरसों का साग। सूरज भाई तूने क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला। वाह फिर तो एक रोटी और मंगा लेती, एक गरम गरम रोटी वाला देना, और ये मिर्ची का चार और चाहिए। यहाँ की मिर्ची इतनी टेस्टी लगती है ना मुझे, मतलब मुझे बहुत पसंद है मिर्ची। एक काम करो आप, मिर्ची नहीं खाते, नहीं खाते काफी दीदी को, इनको अचार कम पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद है। सुरेश भाई प्लीज प्लीज सर प्लीज, थैंक यू थैंक यू। पहले ये खा के देख, मिर्ची बहुत टेस्टी है। ऐसे कर रहे हो, मुझे लगा सब्जी है। क्या इसने ऐसे पकड़ा? अच्छा ऐसे भरा पूरा कटोरा, ऐसे खा गई, फिर ऐसे कर रही हो,
क्या हुआ? क्या सोच रही थी? कह रही मुझे लगा सब्जी है। देखो कोई कोई अनपढ़ भी होगा ना वो भी कह देगा शक्कर है। पर ये अनपढ़ थोड़ी है, ये तो पढ़ी लिखी अनपढ़ है। भाई ये पकौड़े नहीं खाएंगे। पकौड़े नहीं, मिर्ची हमारी है। तो मैंने बहुत बार मिर्ची खाई है, बड़ी जो मिर्चा है ना ये पहली बार खा रही हूँ इतना बड़ा मिर्चा। ये वही था जो तुम पहले खाया था, बिल्कुल है। ये छोटी है बड़ी है ना उतना ही था, वो भी वो आधा आया था, ये पूरा है। यही तो मैं बता रही हूँ, मैंने इतनी बार मिर्ची खाई है, मिर्चा पहली बार खा रही हूँ इतना बड़ा। समझते इससे नहीं जीत सकता मैं। मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा, तुम मुझे पता हाँ हमारी आधी लात पड़ जाएगी इधर से, समझ रहे हो? झूठ इतना बोलते ना, बहुत झूठ बोलते हैं। मन जबान नहीं चलती, उंगली ऐसे उठती नहीं है। और लात हमने सोचा भी नहीं इनको बारे में, इनको ऐसे करने का। देखो कर दिया ना, इनके सामने कर दिया ना। वाह, अपनी तो चुप कर लेती है साफ, मेरे गंदे मेरे हर कपड़े गंदे कर देती है। खाते खाते मेरे कपड़े मैं तो चाहती हूं सारे कपड़े गंदे कर देती है, अपने तो साफ रखती है। मेरे खाते खाते यहाँ लगा देगी। तो भाई मैंने मंगवाया एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लच्छा पराठा, और हम कहाँ बैठे आपको पता ही है, वो मेरी शादी। तो आज का हमारा सारा दिन गाड़ी में निकल गया। अभी सो के मैं उठा हूँ, अभी बस हम होटल पहुँचने वाले हैं, और होटल पहुँच के फ्रेश अप हो के हम जाएंगे दरगाह। जी बिल्कुल, हम जाएंगे दरगाह क्योंकि आज है फ्राइडे और बहुत अच्छे टाइम पे हम आए हैं जुम्मा। तो दरगाह जाके मत्था टेकते हैं और दुआ मांगते हैं अपने लिए, अपने सारे जितने फैमिली है हमारी यूट्यूब की उनके लिए, और अपने बच्चों के लिए। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह के लिए, और देखो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सुबह आपने राम जी की पूजा की थी अभी आप दरगाह में जा रहे हो। तो भाई देखो मेरे लिए ना सारे भगवान एक जैसे हैं, राम जी भी, दरगाह भी, गरीब नवाज भी। क्योंकि देखो राम जी भी हमारे हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा भी मंदिर बना, दरगाह भी हमारे हिंदुस्तान के, तो सब जितने भी भगवान हैं, क्रिश्चियन हैं, गुरुद्वारा साहिब है, सब हमारे खुद के भगवान हैं। तो प्लीज़ बुरे कमेंट मत करना, हमें भी अच्छा नहीं लगता। देखो जहाँ भी हमें दरगाह मंदिर मस्जिद कुछ भी दिखता है हम वहाँ सिर झुकाते हैं। बिल्कुल, और सिर झुकाना भी चाहिए आप सबको भी ना, सभी भगवान को, मंदिर मस्जिद क्रिश्चियन सबको एक जैसा मानना चाहिए, सब एक ही है। हम लोगों ने अलग अलग वो बना दिए पर भगवान एक ही है। तो गोलू रह गया। हाँ मैं तो मैं ये बोल रही थी, साईं बाबा जी बोलते हैं ना सबका मालिक एक, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सबका मालिक एक है। तो हमारे साथ एक सीन हो गया, इंटरनेट में ना आपको ना मजेदार सा होटल दिखाया जाता है, पर जब आप होटल बुक करके यहाँ तक पहुँचते हो, क्या ना कि देखो हमें आना था एक दिन के लिए, और हमारे यहाँ बहुत सारे जानकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, फिर भी ना हम ना उनको तंग नहीं करते, हम चाहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना। तो फाइव स्टार का रूम मिला था, फाइव स्टार के रूम में हमें दो रूम मिले थे, हमें लगा बहुत अच्छे रूम है, बहुत अच्छे रूम है, पर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये रूम मिला, तो एहसास हुआ कि खुदा पहाड़ नहीं, ये तो ओयो है। हाँ, हाँ, ये ओयो। पर हम लोगों को ना कोई भी अपनी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रूम हो गया कोई बात नहीं, अब चलते हैं, चलो आ जाओ। नहीं आपको देखो दो दो पैसे बचाने चाहिए फ्यूचर के लिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं कहीं भी काम आ जाएगा, क्योंकि हमें रात रात सोना होता है, सुबह अपने काम करके हम चंडीगढ़ की तरफ निकल जाएंगे, है ना भाई? सही बात है बिल्कुल। अब तू क्या अलमारी कर रही है? मैं अलमारी नहीं कर रही, मैं आपके लिए, सूरज भैया के लिए, सबके लिए ये मतलब बाल वाले पट्टे लेकर आई थी, ठंडा लगे। चलो यार गुड्डू इतनी दूर आए हैं दरगाह के बाद ना, मैं सोच रही हूँ इंडिया गेट चलते हैं, इंडिया गेट का गोला खा के आते ठंड में। एक बात बताऊँ तुझे, इंडिया गेट आजकल ना 12 बजे बंद हो जाते हैं। है? हाँ। अच्छा आज ना मेरा ना बहुत टाइम बना, मैं आप मान नहीं सकते मेरा बहुत टाइम बना, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। इसको खिला देना, मुझे तो मोमोज खिला देना। नहीं मैं भी खाऊंगी मोमोज तो। चलो यार चलो, मुझे बहुत कुछ खाना है, चलो जल्दी। एक फोटो खिंचवानी है भैया, बाहर निकल जाओ, एक फोटो खिंचवानी है प्लीज, क्राउड आ जाए। अरे एक बार ही निकल जाओ, I like Gundi Pan. If you want to eat Gundi Pan, then you can feel Gundi. So you can go and give me some Gundi Pan. हमने बहुत खाया Gundi Pan हाँ दिल्ली में. Eat Gundi Pan. हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हमें. हम तो चुपचाप भागने की कोशिश कर रहे हैं. सो मैनी गुंडी पान, पहले खाएगी पायल बड़ी गुंडी, जैन छोटी गुंडी, और जैन हम गुंडे को खिलाएंगे। सूरज यहाँ पे काम करिए, रास्ता याद रखिए, मुझे तो याद है पूरा। भाई तो ठंडा बीमार अगर मुझे खांसी बुखार हुआ तुम जिम्मेवार हो, गवाह इस बात के, ठंडा बहुत ठंडा, मुझे लग रहा बर्फ में से। कोई बात नहीं, खाओ नसीन, कैसे है मजेदार? मेरे पायल का फेवरेट है गुंडी पान, पर ये वाला जो उसने बना के दिया ना पायल, एग्जैक्ट दिया ना मजेदार। आगे देखो, एक में थे चार पान, और भैया लेके आए हैं एक दो तीन चार पांच, पांच को चार से करेंगे चार, हाँ हाँ 20 हो गया, 20 पान। पर ये सोचना जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें कोई सुपारी नहीं है, इसके अंदर ना कलाकंद है, और जो होती है ना मजेदार सुपारी, ग्लूकंद वगैरह ऐसी चीज है। ये है मेरा सेकंड गुंडी पान, आज रात को मैं पूरा गुंडी वाली फीलिंग में हूँ। बंद है सूर्य गेट, ये भी बंद है। हाँ ये तो मेन गेट है, ये कैसे बंद है? बंद है भाई, दिखा यहाँ से आने लोग, मुझे तो मैं
पाल में अपनी नजरों के सामने रखूंगी, अपनी कुंडी बटाऊंगी। वो नहीं होती पहले के जमाने में ना, कैसे ऐसा होता था जैसे पीछे दरवाजे के पीछे कुंडी होती थी पहले के जमाने में, अभी भी होता है। अरे नहीं, मेरी बात तो सुन, मेरी पूरी बात तो सुनो। दरवाजे के पीछे ना लोग ऐसी वाली चीजें लगाते थे कि जैसे पापा मेरे पैंट टांगते थे, टॉवल टांगते थे। आजकल ना ऐसी चीजें कम हो गई है, लोग अपने दरवाजे के पीछे ना ऐसी चीजें कम टांगते हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता। पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। अब समझी पायल मेरे को। तो गाइस पायल को ना इतनी देर पहले मैंने बैंड दिया था और ये बैंड मिला नहीं, देख पायल मैंने ढूंढ लिया। तो मेरे में ना क्या है, मेरे में ना कीड़ा है गाइस, मैं आपको बताती हूं कौन सा कीड़ा है। मेरे में ना क्या है कि ना अगर मेरी कोई चीज घूम जाती है ना, मेरी घूम जाती है, घूम नहीं जाती है, घूम घूम। अगर मेरी कोई चीज घूम जाती है ना तो मैं क्या हो गया, अगर कोई मेरी चीज छुप जाती है, अगर मेरी कोई चीज मुझसे छुप जाती है, जैसे मैंने कोई बैंड लिया और वो मुझे नहीं मिलता ना, तो जब तक वो मुझे नहीं मिलता ना मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, फिर मैं दम लेती हूँ कि जब तक वो मिलता नहीं है, कि जब तक ये सबको परेशान नहीं करती तब तक परेशान हो जाती है। हाँ जी मित्रे, सुंदरी बाबू, नंदरी बेटी, तो हम पहुंच गए भैया निजामुद्दीन। अभी हमने ना गाड़ी पीछे खड़ी करी थी और वहाँ कोई नहीं था सुनसान थी, तो मैंने बोला सूरज भाई गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो, क्योंकि पिछली बार भी हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, यहाँ खड़ी कर लो। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ठंड है यार, हमारी नीतू से बात हुई आज, तो नीतू गाड़ी दीदी आज बहुत ठंड है और सच में ठंड है यार। तो गाइस पहुंच चुके हैं दरगाह के ऊपर, आइए चलिए हमारे साथ, आप भी दर्शन कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि दरबार शायद बंद हो गया था। तो अभी हम नहीं बैठे हैं यार, अभी हमारे भाई हैं खादिम वो आने वाले हैं, बाहर से ज़ियारत करेंगे, पूरा दरगाह ही अजमेर शरीफ कलेश बुक की है। नहीं बेटा वो घर पे है। क्यों, बहुत ठंड है ना, उसके लेकर नहीं आई। हम सेल्फी ले ले। हाँ जी बिल्कुल ले लो। तो ये आदमी सोता नहीं, जब इनको पता होता है ना हम आ रहे हैं ऊपर वाले दर्शन, मोहब्बत खींच कर लेकर आ जाती है बीवी के पास से। अभी भी गया था बिल्कुल, मैं खाना खाने काले हाँ आगे लेके ले। अब मंगा रहा हूँ ना आपके लिए, बताइए। हम ज़ियारत करवा दो बाहर से, हम लेट हो गए आज, मुझे लग रहा था बुलावा नहीं है, फिर भी हम आ गए। हमने बोला दीवाने स्टेज पर चलवाता हूँ, बताओ तो आरक वो जो पिला दिया मुझे लगा उसको आरक को क्या था, कुछ नहीं था, मेहनत करते हैं भाई हम, पता नहीं एक गंदा सा पानी नाम बता था, सब एक से एक टूट गए। बहुत ही क्यूट बेबी दिख रहा है, मैं बुलाती हूँ, अगर मेरे से मिलेगा तो मैं बुला देता हूँ, हमको बेबी देखना होगा। बुला लो, बुला, नाम पूछो क्या। तो सामने है मोहम्मद हिमान, कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। देखो इस एज में क्या होता है, बच्चों को बात करना, बच्चों से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को वक्त लगता है थोड़ा सा घुलने में मिलने में, बहुत ही क्यूट है। इसके बाद ऐसे ही नेचुरल है, बहुत सुंदर नजर ना लगे। चलते हैं, चल मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आपके पास बैठ जाता हूँ। अच्छा चलो इधर, आपका भाई है आपकी तरह सुंदर सा, हमारे पास तीन है, तीन तीन भाई। ठीक है मैं नहीं छेड़ूंगी आपको। अच्छा उधर देखो, उधर देखो, नहीं देख रहा, चलो मैं तुम्हें लेके भाग जाता हूँ, चलो चलो चले। नहीं जाओ मम्मा बुला। तो भाई अभी कुछ खा लेते हैं, हमेशा जब अजमेर शरीफ जाते हैं
तब भी मतलब ऊपर वाले ने अच्छी किस्मत दी है कि हमें यहाँ के खाना नसीब होता है। मैंने तो दाल और खमीरी रोटी मंगाई है गाइस, यहाँ की ना खमीरी रोटी बहुत टेस्टी होती है, वो मंगाई है, ज्यादा नहीं एक रोटी मंगाई है। जैसे बच्चा था ना, मैंने भी चीकू के बाल ऐसे करते थे बच्चों। हाँ, मैंने फोटो भी देखी हुई है चीकू के ऐसे बाल थे, बहुत ही क्यूट लग रहा था। बाल गंजे होने थे तो मैंने ना दो दिन पहले ब्लीच कर दिया, बहुत सुंदर लगता था चीकू। सेम पता है मुझे कभी कभी ना चीकू की फोटो देख के लगता है कुछ की जैद है, और कुछ फोटो चीकू ऐसे देख के लगता है कि सेम तूबा है। आपको दो फोटो दिखाऊंगी, एक में जैद लग रहा है, एक में तूबा लग रहा है। सेम तूबा लग रहा है, ये देखो चीकू लगता है कुछ ऐसे लगते है जैद है या एक फोटो और दिखाती रुको, तू चीकू लगता ना बड़ा हुआ ना वो फोटो हमने संभाल फोटो तो पाया सब बच्चों की संभाल के रखी हुई हमने। मैंने तूबा की ये तूबा की वीडियो डाल सकते हैं, एक में सारी पड़ी है तो इसमें ना सेम ना चीकू तूबा लग रहा है सेम, और इसके अंदर भी तूबा लग रहा है। एक और एक फोटो दिखाती हूँ जिसमें ना लग रहा है जैद, ऐसे लग रहा है जैद बैठा हुआ है, देखना सबका मिक्सचर है। हाँ मिक्सचर है सारे बच्चे। एक फोटो मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ, शायद वो भी शायद देखी नहीं होगी, चीकू की पहले दिन की फोटो है जब चीकू एक दिन का था, मतलब हुआ था उसके कुछ घंटे बाद की। आप लोगों को बहुत बहुत राष्ट्रपति आ रहा है फ्रांस में, उसके लिए आए हैं। बड़े बड़े पतले पतले हो गए आप लोग, क्या बात है जा रहे हैं। बैठो भैया मेरे को लग रहा है हम दोनों के जूते भी सेम होते हैं ना, एक दूसरे के पहन लिए, पायल के जूते टाइट हो रहे थे। कपड़े नहीं डाले मेरे, कपड़े भी पहन लिए, कपड़े भी सेम पहनते हैं। ज्यादा थोड़ी 24 ज्यादा नहीं 24 ज्यादा। हंडी सर कमी है भाई, घूम के आ गए हैं और दर्शन करके भी आ गए हैं। और हमेशा ही देखो जो हमारी दिल्ली पुलिस है या फिर हमारी ऑल इंडिया की पुलिस है, अपना घर छोड़ के ठंड में खड़ी है, 26 जनवरी आने वाली है, और भाई सैल्यूट है। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई जानकार हो, कोई भी पोस्ट हो, सारी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं रेगुलर, सैल्यूट है यार। हाँ जी चलो जी सुनो मैं क्या कह रही हूँ। बाबू कुछ कहना चाहोगे? मुझे ना ऊपर वाले बिस्तर में ठंड लगेगी इसलिए मैंने अपना कंबल ले लिया। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, नमस्कार बाय बाय, जय हिंद जय भारत।